नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोजन का हमारे जीवन में कितना महत्व है। भोजन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें इससे ऊर्जा मिलती है। भोजन से हमारे शरीर का विकास होता है, भोजन से हमारा शरीर स्वस्थ और रोगों से मुक्त रहता है। शास्त्रों के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाना बहुत गलत माना जाता है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर हम सोते हैं उसी स्थान पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। इससे अन्न का अपमान होता है और घर की बरकत चली जाती है। हालांकि शास्त्रों की बातों को हर व्यक्ति नहीं मानता क्योंकि आज के मॉडर्न जमाने में इसे अंधविश्वास बोल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, मानने वाले तो मानते भी हैं और पालन भी करते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में धन की कमी होने लगती है। यही नहीं, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से न केवल धन की हानि होती है बल्कि इससे आपकी सेहत पर भी असर पड़ता है। इससे आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं वास्तु के अनुसार बिस्तर से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें करने से हमें धन हानि सहित कई परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। हो सकता है हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही सब गलतियां करते आ रहे हों और परेशानियां भी झेल रहे हों, तो इन्हें जल्द सुधार लें। वास्तु शास्त्र में घर के अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जिन्हें करना सही नहीं माना गया। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आए हैं। इसी कारण कई लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं जिसका असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। प्राचीन काल में लोग समृद्ध और अधिक समय तक जीवित रहते थे। वहीं आजकल मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। पहले लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे जिस कारण उनके शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था और वे स्वस्थ और बलशाली होते थे। आजकल देखा गया है कि लोगों में कमजोरी आना आम सी बात हो गई है। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बताए गए हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए और ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित हुए हैं। जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताया था वो विज्ञान आज हमें बता रहा है। साथ ही दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार खाना खाने की आदतों से हमारे ग्रहों पर भी असर पड़ता है। आइए आपको बताते हैं वास्तु के अनुसार भोजन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पहली बात रसोई घर। वास्तु के अनुसार रसोई घर को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं की रसोई घर भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती थी। रसोई घर को स्नान गृह तथा शौचालय के ऊपर या नीचे कभी भी नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर शौचालय के ठीक सामने कभी न बनाएं। यहाँ तक कि स्नान गृह या शौचालय की दीवार और रसोई घर की दीवार कभी एक नहीं होनी चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण है, रसोई घर का दरवाजा कभी भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने स्थापित नहीं करना चाहिए। खाना खाते समय भी दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। ये सर्वोत्तम दिशा मानी जाती है। इससे दोस्तों मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है, देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, साथ ही मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। परंतु जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। वास्तु के अनुसार नैतिज्ञ कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है तथा पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं। भोजन को शुरुआत करने से पहले हाथ पैर और मुंह धो लेना चाहिए, इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी होता है। इसी के साथ दोस्तों, जल जो है पंच तत्वों में से एक है और जमीन पर बैठकर भोजन करने से पृथ्वी और जल तत्वों का मिलन होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है, साथ ही मन को शांत रखता है और क्रोध का नाश करता है। अग्नि कोण की दिशा अर्थात
दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा स्वप्न दोष भी हो सकता है। शास्त्रों के मुताबिक पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। दोस्तों, कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। जिन लोगों को पैसे की तंगी होती है, धन कमाने की चिंता है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। ध्यान रहे, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हैं, तो उन्हें तुरंत अलग कर दें। साथ ही भगवान को प्लास्टिक अथवा कांच के बर्तन में प्रसाद न चढ़ाएं। इसके लिए तांबा, पीतल अथवा चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। इसी के साथ दोस्तों, भोजन कभी भी अपने बेड पर बैठकर ना खाएं, इससे अन्न का अपमान होता है और राहु अप्रसन्न होते हैं। साथ ही दोस्तों, बिस्तर जो है वो रुई से बना होता है और रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती। खाना खाते समय हमारे लीवर की गर्मी निकलती है। बिस्तर पर बैठने से ये गर्मी शरीर में ही रुक जाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इससे हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। भोजन करने के बाद कुछ लोग दोस्तों थाली में ही अपने हाथ धो लेते हैं। इससे अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और चंद्र शुक्र ग्रह अप्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे घर में बरकत चली जाती है। थाली में झूठन छोड़ना अन्न का अपमान माना गया है। इससे अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। इसलिए जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। भोजन के दोस्तों नियम जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी है रसोई घर से जुड़े नियमों को ध्यान में रखना। वास्तु के अनुसार रसोई में कुछ चीजों को रखने के लिए मना किया जाता है। इन चीजों को भूलकर भी अपनी रसोई में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपके घर में कलह कलेश और आर्थिक तंगी बढ़ने लगती है। नंबर एक, दवाई या फर्स्ट एड बॉक्स। दोस्तों, वास्तु के अनुसार रसोई घर में कभी भी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से रोग बढ़ने की संभावना रहती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर पड़ता है और इलाज करवाने में ही आपके घर का पैसा खर्च होता जाता है, जिसके कारण घर में आर्थिक परेशानी और अशांति बढ़ने लगती है। नंबर दो, गुथा हुआ आटा। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है, कई बार गुथा हुआ आटा बच जाने पर उसे फ्रिज में रख दिया जाता है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से तो नुकसानदायक होता ही है, साथ ही में इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। इससे आर्थिक तंगी और कलेश बढ़ने लगता है। नंबर तीन, दर्पण न रखें। कई बार महिलाएं रसोई में दर्पण रख देती हैं या फिर दीवार पर टांग लेती हैं। ऐसा दोस्तों नहीं करना चाहिए। रसोई में मुख्यतः अग्नि का कार्य होता है। यदि चूल्हे में जलने वाली अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में दिखता है तो आपके घर में कलह कलेश बढ़ सकता है। नंबर चार, रसोई में ना बनाए मंदिर। वास्तु के अनुसार कभी भी रसोई में देवस्थान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रसोई में सात्विक भोजन के साथ तामसिक भोजन भी बनता है। यदि तामसिक भोजन ना भी बने तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग तो अवश्य ही किया जाता है। ऐसे में यदि आप रसोई में देवी देवताओं का स्थान बनाते हैं तो आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इससे आपके घर में अशांति के साथ ही बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।